हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खुदावंद से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हों। आमीन, खुदा करे ऐसा ही हो। तो आज हम बनाएंगे चिकन वाले पराठे। बच्चे बाहर जाके खाते थे तो मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं अब जाना, एक तो कोरोना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में ही बनाए तो बेहतर है। आप भी घर में बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा। उसके लिए हमने आटा गूंध के रखा हुआ है, जिसके बीच में हमने 2 चम्मच घी डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था अपने टेस्ट के मुताबिक। हम लोग लाइट ही खाते हैं वैसे, तो ये गूंध के रख लिया था ताकि ठीक हो जाए, सेट हो जाए अपनी जगह पे। 1/2 किलो चिकन है हमारे पास, कीमा है, ये देखें इस तरह से, इतना बारीक नहीं है, इस तरह का है, थोड़ा सा दरदरा सा। प्याज है चॉप की हुई हमारे पास, 2 प्याज मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे। धनिया चॉप किया हुआ हमारे पास, हरी मिर्चें हैं हमारे पास, लहसुन है चॉप किया हुआ, 4 जवे थे उसको मैंने चॉप कर लिया। ये हमारे पास धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम है, लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, और ये हमारे पास ये क्या चीज़ थी, और ये क्या थी, धनिया मैंने 2 दफ़ा डाल दिया, सॉरी 2 जगह पे मैंने धनिया डाल दिया, तो एक जगह वाला नहीं डालेंगे तो एक वाला डाल लेंगे। और ये दड़ा मिर्च है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, और ये काली मिर्च हमारे पास, ये 1 टीस्पून है ये, और ये भी 1 टीस्पून है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, डालते हैं फ्राई पैन में घी। ये टोटली घी में ही बनेगी रेसिपी। 2 चम्मच घी डालते हैं इसमें, और ये जो लहसुन है हमारे पास ये डाल देते हैं इस तरह से। इसको करते हैं लाइट सा ब्राउन करते हैं इसको, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। लहसुन हमारा लाइट सा ब्राउन हो गया, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे अपना प्याज, और इसको भी ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा करेंगे, गुलाबी गुलाबी सा। अभी हम डालेंगे इसमें चिकन, और कलर तब्दील होने तक हम इसको पकाएंगे। चलें जी, चिकन हमारी गई हो, अब हम इसमें डालते हैं अपने मसाले। व्यूअर, मैंने 2 दफ़ा डाल लिया था धनिया, गलती हो गई थी, सॉरी, वो मैंने एक वाला निकाल लिया। ये सारे मसाले गए, अभी हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, बस इसको हम ड्राई कर लेते हैं, गला के इसको उतार लेते हैं, उतार के ठंडा करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं, और साथ ही हम पराठे बनाएंगे, साथ आपसे बातचीत भी करेंगे। प्योर कीमा हमारा रेडी हो गया, चिकन गल गई है, अब हम डालेंगे इसमें धनिया चॉप किया हुआ, इसको करेंगे मिक्स मिक्स, और ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसके पराठे बनाते हैं। व्यूअर, ये पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं ये वाले, और एक पेड़ा मैंने छोड़ दिया था ताकि मैं ना आपके सामने बनाऊं, इनको रेस्ट दी थी, हल्का सा लगाऊंगी नीचे इस तरह से, और ये इसको ना हाथ से ऐसे कर लूँगी, ये इस तरह से इसके बीच में लगाते हैं हम घी, सेम पराठे की तरह जिस तरह पराठा चूल्हे पे बनाते हैं बल वाला, इसको लपेट लेते हैं यूं यूं इस तरह से, उठाते हैं ये इस तरह से, इसको देते हैं बल यूं, और यूं करके हम अपना इसको
लपेट लेते हैं। ये देखें, ये इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं एंड पे, और ये हमारे रेडी हैं। इनको हम कोशिश करते हैं बनाने की। तवे को लगाते हैं हम अपना घी। व्यूअर, मेरे पास बड़ा तवा है तो मैंने बड़ा रख लिया ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि इस पे किया जाए, छोटा तवा रखे रेगुलर जो जिस पे हम बनाते हैं खाना, पराठे अपने फ्राई पैन में बना सकते हैं। ये इसको हमने इस तरह से करके फैला लिया बिल्कुल पूरी की तरह। अब इसके अंदर हम डालेंगे कीमा, एक साइड पे डालेंगे ये इस तरह से। और बाकी वाले को उठा के इसके ऊपर ले इस तरह से। हाँ, ये यहाँ से फट गया, इसकी हम करने लगे हैं मरम पट्टी ये इस तरह से। इसको भी बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे। चलिए जी, इसको हम उठाते हैं और अपने उस पर डाल देते हैं। लो जी, पराठे हमारे हो गए तैयार। इनको क्रिस्पी करते जाएंगे, मज़े से फिर खाएंगे। इनकी एयर निकालने के लिए भाप निकल जाए। चलेंगे इनको हम उतारते हैं। चूल्हे को हम करते हैं बंद। व्यूअर्स, जरूर बनाइएगा, दूसरी तरह भी बनाते हैं, गोल भी बना लेते हैं, लेकिन ये ज़रा प्यारे लगते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पराठों की फाइनल लुक। व्यूअर, ये हमारे पराठों की फाइनल लुक है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। और गरम बहुत है, मैं इसको किस तरह से तोड़ूं। ये देखें, इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ये देखें कैसे क्रिस्पी। ये देखें, ये देखें, बहुत गर्म है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आप भी बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, हम भी खाने लगे हैं, साथ आपको याद करेंगे दुआओं में। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।